वो करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या वो आने वाले पीयूई में या फिर एक्सटर्नल एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? तो इनको ध्यान रखना। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, फॉलोइंग आर द बेयरिंग टेकन इन ए क्लोज ट्रेवर्स, ठीक है? क्लोज ट्रेवर्स है और लाइंस गिवन है, उन लाइंस का जो आपको रीडिंग गिवन है वो, उस रीडिंग का सिस्टम क्या है आपका, क्या बोलते हैं? इस तरीके से अगर हम एंगल को लिखते हैं साउथ 37 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये कौन सा तरीका होता है? क्वाड्रेट बेयरिंग होती है, क्यू बी, ठीक है? और हमारी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग इसी फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है? होल सर्कल बेयरिंग में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके का न्यूमेरिकल अगर आ जाता है। तो सबसे पहला कैसे करते हैं, सबको पता है, ये आपका है आज हम लोग नॉर्थ, देखेंगे कि हम लोगों के पास पावर कितनी है, एक बता देता हूँ बस, ईस्ट, जानने की क्षमता वेस्ट, किसके पास साउथ। है, जानना फर्स्ट दिया कौन हुआ है चाहता है आपका और जानने की साउथ प्रोसेस 37, यानी कि साउथ से ईस्ट की ओर तो थर्टी ये इस सेवन लेक्चर में मैं काफी डिटेल यानी में कि ये डिस्कस करूंगा, एंगल है लेकिन 37, थर्टी यहाँ मिनट पे आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट अगर करते हैं तो 30 मिनट। ये काफी अच्छा और अगर काम होल होता है, सर्कल बेयरिंग में जो होता है वो क्योंकि क्या वो होता है, कम से कम आप क्लॉकवाइज नॉर्थ अगर से ये एंगल। डिवीजन में होना क्या चाहिए तो टीचर क्या कम से करना कम है नीचे हमें, बैठा रहे, 180 में से 37 डिग्री डिग्री 30 देखा मिनट क्या होता माइनस है, कर टीचर देना है अलग तो हो ये जाते हैं, एंगल निकल आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इसको ऐसा नहीं कि कन्वर्ट खाली करना एक बोल होगा दे होल बार बार सर्कल बोल दे, बेयरिंग में, क्योंकि मेरा ठीक है? सब्जेक्ट इजी थोड़ा होता है हार्ड नहीं कन्वर्ट है, करना, इतना मैं मुश्किल कर नहीं लेता हूँ है। डिस्कस कर, डिस्कशन टाइम में टेकन आपका ये चीजें एग्जांपल है तो सही ये ढंग अच्छे से मार्क्स का आता है लेकिन करना इजी है, होगा क्या ठीक है? नहीं है, और पढ़ाने में क्या तो होता है यहाँ पर वो आप मैं देखो, जानता ये हूँ, इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है होल इसी से सर्कल आपको बेयरिंग दूसरी में अपील करूंगा, सारी रीडिंग्स को। तो हमारे पास लाइंस है, फोर बेयरिंग लेकिन है, अगर बैक कोई बेयरिंग है, आदमी और फोन क्या में है, ये है लिखने क्लोज लगता है ट्रेवर्स। और और हमें मेरे लाइंस को दिमाग में देख के भी मेरे पता चल दिमाग रहा है में जो क्योंकि आता ई है ए वो पे क्लोज खत्म हो रहा है और ट्रेवर्स लिखा होता हुआ है, भी है। उससे पहले सबसे टॉपिक लाइन लिखी हुई है, ऐसा इसको करने पढ़ से लेते क्या हैं होता हम। है कि नॉलेज इफ अपग्रेड द होता है, इंक्लूडेड हमें एंगल इज इंक्लूडिंग चाहिए, नेगेटिव, इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये, अगर ये आपका पहला नेगेटिव आ क्वेश्चन रहा ये है आता है कि तो क्या पूरे करना है, देन 360 डिग्रीज एडिट, इसमें संपूर्ण 360 अस्तित्व ऐड का कर देना है तो ये क्या बन जाएगा, समझने फिर की एक्सटीरियर बन जाएगा, क्षमता डू किसके इट पास एज हैज डन इन द केस ऑफ है, एंगल ए बी सी, ठीक है? अगर एक आप मिनट का किसी समय आप क्लोज लीजिए, ट्रेवर्स मैं में इसका उत्तर इंटीरियर देता हूँ, एंगल निकालते हो और वो नेगेटिव आता है तब आपको सारी कैलकुलेशन एक्सटीरियर एंगल से करनी होगी। और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, उसे +360 कर देना है आपको, ठीक है? ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। इज नोअर, ठीक है, ये चीज़ और ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का क्लोज ट्रेवर्स या कंपा उसका ओपन ट्रेवर्स का न्यूमेरिकल आए तो आपको ये डायग्राम जरूर बना लेना है, ठीक है? इससे गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ देखो आप, ए टू बी केवल फोर बेयरिंग से बन जाएगा ये, ठीक है? ए टू बी 142 डिग्री नॉर्थ से लाइन की ओर, इसी तरह सारी आप यहाँ पे बनाई हुई हैं, आपकी नॉर्थ से एंगल लिए हुए हैं और आपका ये फोर बेयरिंग के हेल्प से आपने पूरा कोई है क्लोज लेक्चर में ट्रेवर्स बिल्कुल बना ध्यान लिया मेरी है, बात ठीक को, है? ए बी सी डी नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इस न्यूमेरिकल में कन्वर्ट टू होल सर्कल बेयरिंग, बताओ जरा सेकंड आपका कैसे है आपको डायग्राम बना लेना है। फिर उन्होंने क्या कहा है, ये वही लाइन कह रहा है कि अगर नेगेटिव आता है, इसने कहा है क्लॉकवाइज है ह्यूमन तो बीइंग नेगेटिव इज ही अ आता है अगर क्लॉकवाइज पूरे ट्रेवर्स हम जा रहे डिस्टेंस हैं, ठीक है? ऑफ इंक्लूड एंगल विल बी एक्सटीरियर एंगल। सेल्फ एंड बॉडी तो बेटा, दोनों इंटीरियर एंगल एंगल की इक्वेशन ह्यूमन मैंने बीइंग को लिखवाई थी ऑब्जर्व पहले कर कि पाते हैं, इंटीरियर एंगल की इक्वेशन शरीर में क्या सोचने होती समझने की है, क्षमता ज्यादा फोर है या फिर बेयरिंग सेल्फ में ज्यादा है, या फिर शरीर ऑफ में नेक्स्ट सोचने लाइन समझने की क्षमता ही होगी, माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, याद हो अगर आपको, तो सेल्फ यही इक्वेशन तो उन्होंने यहाँ सेल्फ पे यूज़ किया, इंटीरियर एंगल की ही बात हो केवल रही है, ठीक है? जानना सबसे चाहता पहले है आप इंटीरियर पूरे एंगल ही एंगल को निकालोगे, एडजस्टेड तो यहाँ पे एंगल ए एंटायर निकाला है एडजस्टेड इन्होंने, एंगल ये को वाला पकड़ने का निकालने की ज्यादा कोशिश की है। कोई तो मतलब नहीं फोर होता बेयरिंग है, ऑफ ए बी, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी क्या है, 142, कोएफिशिएंट्स क्या है कि जहां पर बैक बेयरिंग ऑफ कार्यकर्ता और प्रीवियस लाइन प्रतिनिधि का, का ई ए का बैक बेयरिंग क्या प्रभाव होगा, अपने आप डेवलप होकर के आता है, ये वाला, ठीक है? अब इन दोनों को दोबारा से एक बेसिकली बार समझा देता हूँ। फोर बेयरिंग ऑफ ए बी तो ये है और बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लोड लाइन और लोड ये, प्रोसेस तो इन दोनों हम माइनस एडजस्टेड करते हो तो आपका इंटीरियर एंगल आ जाएगा। लेकिन एडजस्टेड, यहाँ पे जब इंटीरियर एंगल निकाला तो इस सबसे इक्वेशन से पहले तो क्या आ डिफाइन रहा है, किया जाए कि नेगेटिव आ यहाँ रहा पे है। क्या चीज होती है, तो इन्होंने क्या किया, थ्योरी नेगेटिव में को थ्री अप्लाई सिक्सटी ऐड करके, किया, अब ये 263 जो और बचा इससे है ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, कि जो चीज जैसी ठीक है? है यही आपको उसको चीज उसके करनी रूप है, में देख लेना, अब इसको दो यहाँ तरीके ध्यान आते रखना। हैं, अगर इंटीरियर पॉजिटिव आता तो कोई दिक्कत ही जो नहीं है, चीज बस आपको जैसी है 96 पे उसको छोड़ उसके देना है, रूप में देख लेना, ठीक तभी है? एक उत्तर आता है, एक तो शरीर भी आता है अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, और उसके बाद दूसरा डाउट उत्तर भी आता पूछ है लूँगा आपका आंसर किसी आता का है कोई जिससे क्वेश्चन हो। हम तो लोग इसी डिस्कस तरीके कर से रहे हैं इन्होंने सर, ए एंगल, हाँ बताओ,
सर ईए की बैक बेयरिंग और ईए माइनस ईए की बैक बेयरिंग और एबी की फोर बेयरिंग माइनस करके भी तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। ईए की बैक बेयरिंग माइनस क्यों कर रहे हैं सर हम डायरेक्ट अगर ईए की बैक बेयरिंग माइनस कर दे फोर एबी की फोर बेयरिंग से मतलब ये जो इक्वेशन लिखी इसको उल्टा कर दे तो आंसर तो पॉजिटिव ना आएगा हमारा। हां देखो ये कह रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन है इंटीरियर एंगल की उसको यूज करके तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर इक्वेशन को उल्टा करते पहले बैक बेयरिंग रखें और फिर माइनस फोर बेयरिंग रखें तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एरर आ जाता है लास्ट में क्लोज ट्रेवर्स में। जब आप किसी भी लाइन को लेके ऐसे चलोगे, पहले ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, ऐसे तो आप किसी ग्राउंड का ट्रेवर्सिंग करोगे, ऐसे करोगे ऐसे करोगे, लास्ट में वाली लाइन इस पे कनेक्ट होनी चाहिए। अगर कनेक्ट हो रही है तो जीरो एरर है, अगर कनेक्ट नहीं हो रही है, कुछ गैप है, तो कुछ उसमें एरर है, उसको रिमूव करना होता है फिर। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे, पहले ए की करोगे फिर बी की, है ना, तो फिर उसमें जो एरर है आप उसको मिनिमाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये पॉइंट है, अगर हम जो इंटीरियर एंगल निकाल रहे हैं वो हम इस पॉइंट से निकाल रहे हैं, ए से। ठीक है, तो हमें जो एंगल यूज करने हैं वो क्लॉकवाइज यूज करने हैं। तो पहला एंगल कौन सा है आपका क्लॉकवाइज में, ये वाला 42, और दूसरा एंगल क्या है आपका ये। आप इसको इस तरीके से भी लेके चलो कि जब हमने ग्राउंड पे सर्वे किया तो जो पहला एंगल लेंगे और जो लास्ट एंगल लेंगे उनको माइनस करेंगे हम। ठीक है, और तब जाके आपका इंटीरियर एंगल निकलेगा, और इंटीरियर एंगल के आपको यही इक्वेशन यूज करनी है कि फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग। ऐसा केस बन नहीं रहा है जो तुम कह रहे हो ना, इससे अभी कोई केस आएगा तो मैं बता दूंगा, और मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। ऐसा केस होता है कि जब हम ये चीज करते हैं बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग करते हैं, तो फिर है ना किसी एंगल में वैल्यू कुछ और आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी या कुछ और आ जाएगी, तब वहां पे हमें फिर उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहीं पे देख लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे वो कोई केस है ऐसा। इस वाले केस में भी नहीं है, तुम्हारा वाला केस लगाता हूँ अगर मैं, बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये करता तो ये आता, ये करता तो ये आता, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता तो ये पॉजिटिव आता, और आपका इसको करता तो यहाँ पे मैं नेगेटिव होता, और यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे केस बन रहा है। एंगल सी पे देखो, एंगल सी पे एंगल सी पे क्या हो रहा है कि फोर बेयरिंग और सीडी और उसको माइनस कर तो वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। अब इसको ग्राफिकली समझो। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई ये इक्वेशन यूज करके आपको एंगल निकालना है, और इनका डाउट आ गया सर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, अगर फिर भी ये चीज समझ में ना आए ना, तो सबसे आसान तरीका जो इसको ऐसे क्वेश्चन को क्लोज ट्रेवर्स हो या आपका ओपन ट्रेवर्स, सबसे आसान तरीका है कि कुछ भी यूज मत करो, कुछ भी यूज मत करो। सिंपल क्या करो, आप कोई कंडीशन जो बुक में लिखी है जो मैं बता रहा हूँ कुछ भी मत यूज करो। सिंपल तरीका है इसका कि आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद आपका मेन मकसद क्या है, आपको इंटीरियर एंगल करेक्ट करने है, वो ये कह रहा है न्यूमेरिकल, आप इंटीरियर एंगल ये वाला निकालो, पर ये वाला इक्वेशन की हेल्प से मत निकालो, ये आप निकालो केवल ग्राफिकली यूज करके। जैसे ग्राफिकली अभी जो स्टूडेंट ने बताया है कि ये जो बड़ा वाला एंगल है इसमें से अगर मैं छोटा एंगल माइनस कर दूं तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एंगल इसको भी ऐसे निकालो, अब दूसरे एंगल में यही कंडीशन लगा के देखो, ये एंगल हमें पता है, और हमें क्या कौन सा एंगल पता है, सी बी की बैक बेयरिंग, यानी कि सी बी की बैक बेयरिंग तो ये हमें पता है, ए बी की बैक बेयरिंग ये इनको माइनस करो और ये एंगल जाएगा। जब सारे इंटीरियर एंगल आपके आ जाएंगे तो उसका समेशन करो, समेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो जितना आपका एरर आ रहा है उसको इक्वली डिवाइड कर दो। इसको दो तरीके हैं करने के, ठीक है, ठीक है। एंगल ए निकाला, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने के बाद कंडीशन हमारी बुक रूल्स कह रहे हैं कि इसमें 360 ऐड कर दो तो एक्सटीरियर बन जाएगा, ठीक है। एंगल बी निकाला, वो भी नेगेटिव आया, ठीक है। सी आया, वो भी ठीक है। डी आया, उसमें नेगेटिव आ रहा है, 360 ऐड कर दिया, और सी में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सी में पॉजिटिव क्यों आ रहा है इसको एक बार देख लेते हो तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमने 360 ऐड नहीं किया, और हम कह रहे हैं सारे एंगल क्या है, एक्सटीरियर हैं, तो इसका मतलब सी एंगल तो इंटीरियर हो गया और सारे एक्सटीरियर एंगल है,
तो ऐसे कैसे ये क्या गड़बड़ हो रही है, तो एक बार हम सी को देख लेते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। सी में क्या है, फोर बेरिंग ऑफ सी डी, फोर बेरिंग ऑफ सी डी यानी नॉर्थ से 287 डिग्री, ठीक है। बैक बेरिंग ऑफ बी सी, बी सी की बैक बेरिंग यानी कि ये एंगल, ठीक है। अब देखो इस बड़े एंगल से 287 से ये माइनस करें तो आपको ग्राफिकली दिख ही रहा है कि वो एक्सटीरियर आ रहा है, तो इसमें 360 की ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका वैसे तो है ग्राफिकली। अब आपने मैंने रूल नेगेटिव आ रहा है तो 360 ऐड करो वो एक्सटीरियर हो जाएगा। आपने यहाँ ठीक बी पे ठीक किया लेकिन सी पे आप कंफ्यूज जाओगे, सर ने कहा था नेगेटिव आएगा पर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल होगा। लेकिन जब ग्राफिकली समझोगे तो इसमें 360 ऐड करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक्सटीरियर है, ठीक है। और जो अभी स्टूडेंट ने कहा था कि उल्टा करके बिल्कुल कर सकते हो, जब आप उल्टा करके करोगे ना तो सी एंगल जो होगा ना, सी एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा 242, तो उसमें 360 ऐड करके उसको इंटीरियर बनाना होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये आता है ज्यादा मार्क्स का। एक बार और मैं बता देता हूँ या लाइन खींच के बता देता हूँ या मार्क खींच के बता देता हूँ कि एक रूल तो ये है कि आपको इंटीरियर एंगल निकालने कौन सी इक्वेशन से, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस प्रीवियस बेरिंग ऑफ बैक, बैक साइड ऑफ प्रीवियस बेरिंग, सारे इंटीरियर एंगल आ गए। समेशन करना है क्या होता है, फोर टू एन माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई 90, यही होता है ना क्लोज टेबल्स का टोटल एंगल। अगर इतना एंगल आ रहा है तो सब कुछ ठीक है, अगर ज़्यादा या कम आ रहा है तो जितना एरर आ रहा है उसको इक्वली सब एंगल में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड है कि हमारे जो इंटीरियर एंगल आ रहे हैं अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो उसमें क्या करना है, 360 ऐड करते जाना है, लेकिन जो पॉजिटिव आ गया वो ऑटोमेटिकली एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल के लिए इक्वेशन अलग होती है, 2n प्लस 4 होती है, माइनस 4 नहीं होती, इनटू 90, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। दो कंडीशन हो गए। तीसरा केस क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटीरियर एंगल निकालने पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए, बस आपको ग्राफिकली चेक करना है कि वो इंटीरियर ही है कि एक्सटीरियर ही है। जैसे कि इस केस में आपका इन रीडिंग को यूज करके एक्सटीरियर निकल रहा था तो आपको 360 से माइनस करना होगा, वो इंटीरियर बन जाएगा और सारे इंटीरियर आ रहे हैं। इंटीरियर एंगल निकाला, 2n माइनस 4 इनटू 90 की इक्वेशन यूज की, सेटिस्फाई किया, नहीं हो रहा तो एरर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो तीनों केस में आप कर सकते हो, आपके ऊपर है किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इस तरीके से निकाला इन्होंने। उसके बाद क्या किया इन्होंने, समेशन किया सभी एंगल का। समेशन कितना आ रहा है, 1258 डिग्री 45 मिनट। और क्योंकि ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है तो उनकी इक्वेशन अलग होती है, 2n प्लस 4 इंटू 90 होती है, इंटीरियर के लिए 2n माइनस 4 होती है। तो ये कितना आ रहा है, 1260, इनको माइनस किया तो 2 डिग्री, कितना 15 मिनट का डिफरेंस आया, 15 मिनट और एक्स्ट्रा होने चाहिए थे, तो 15 को 5 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 75 डिग्री आ रहा, 75 मिनट आ रहा था, 75 मिनट को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 15 मिनट हर एंगल में 15 मिनट ऐड कर दिया। अब सबका समेशन क्या आ रहा है, 1260, यानी कि ये करेक्ट है। अब बताओ उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो दोबारा से चीज़ बताता हूँ। 10 नंबर का आता है और बहुत सिंपल है, कंडीशन मैंने सारी बता दी कि ऐसा। हाँ पीछे वाली स्लाइड में चीज देखनी थी, ये इन्होंने एक्सटीरियर एंगल्स निकाले कि इंटीरियर एंगल्स निकाले, ये एक्सटीरियर निकाले हैं, एक्सटीरियर निकाले हैं ना, तभी 360 से माइनस करा है। हाँ तो ये हमारे अपने लिए पर्सनल लेवल पे है, ठीक है। अगर आपको एक्सटीरियर निकालना है आप इंटीरियर निकाल सकते हो, लेकिन जब आप इंटीरियर निकालोगे ना सेम यहाँ से, तो यहाँ सी पे थोड़ा सा एक्सटीरियर निकलेगा ऑटोमेटिकली, तो उसको इंटीरियर बनाना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस है, और उसको सेम ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। समेशन कितना आना चाहिए सबका, 540 आना चाहिए 2n माइनस 4 वाली कंडीशन से। जो एरर आएगा अगर कम आता है तो उतने को डिवाइड करके नंबर ऑफ एंगल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ज़्यादा आता है तो फिर माइनस कर देना, ठीक है। कोई डाउट हो अभी तो दोबारा बता दूंगा, कोई वो नहीं, टाइम बहुत। पहला स्टेटमेंट जो लिखा है इस डायग्राम के ठीक नीचे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ट्रैवर्स में इंक्लूडेड एंगल्स एक्सटीरियर होते हैं, ये सब कह रहा है
इसकी बात को मानो या मत मानो, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जब हम किसी ग्राउंड का सर्वे करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना ए से बी की ओर जा रहे हैं, बी से सी की ओर जा रहे हैं, डी से ई की ओर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जब ऐसी कंडीशन में हम ट्रेवर्स करते हैं तो कंडीशन ये आती है कि एंगल जो आते हैं इंटीरियर इस इक्वेशन की हेल्प से वो माइनस में आते हैं, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन एंगल को करेक्शन करने के लिए एक्सटीरियर एंगल करेक्ट होगा तो इंटीरियर ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का समेशन 360 है। तो इन्होंने क्या किया है कि अगर क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है तो वहाँ पे उसको सॉल्व किया हुआ है एक्सटीरियर एंगल से, अगर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स होता, अगर ट्रेवर्स इस डायरेक्शन में होता तो वो उसको इंटीरियर एंगल की हेल्प से सॉल्व कर सकता था, बट आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसी को इंटीरियर की एंगल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये इक्वेशन से आपको इंटीरियर एंगल नहीं निकालने होंगे, आपको फिर ग्राफिकली निकालने होंगे, क्योंकि अगर इस इक्वेशन को यूज़ करके आप इंटीरियर एंगल निकालोगे तो यहाँ पे सी पे गलत हो जाएगा, फिर उसको ग्राफिकली समझ के ठीक करना होगा। ये है बस, ये एक इक्वेशन को, ये जो बता रहे हैं ना, ये एक इक्वेशन को फॉलो करना है, उसके हिसाब से कैसे सॉल्व होगा। ग्राफिकली तो आपको कुछ भी कर दो आप हो ही जाएगा सॉल्व, इंटीरियर एंगल ही तो निकालने हैं आपको, सारे एंगल पता है आपको, पता है क्या माइनस क्या पॉजिटिव करना है, इंटीरियर एंगल निकल जाएंगे। ठीक ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये एक क्वेश्चन है, ये शायद मैं डिस्कस नहीं हुआ, थोड़ी का थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट है बताता हूँ। जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर एक बबल होता है, बबल ट्यूब इस तरीके से आपको दिखाई देती है, बबल ट्यूब, और कुछ मार्किंग होती है ऐसे, और जो बबल है ना उसको हमें सेंटर में लाना होता है। अगर ये बबल सेंटर में आ जाएगा तो हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल बिल्कुल सेंटर में है, इसको यहाँ पे लाना होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसका आप एलिवेशन पार्ट देखोगे ना इस बबल ट्यूब का, तो इस तरीके से होता है, बबल ट्यूब थोड़ी सी ऐसी होती है, कर्वेचर, ऊपर से देखते हो तो आपको फ्लैट दिखाई देती है, ये ऐसे होता है, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है कम विस्कोसिटी का, जिसमें बबल मूव कराता है, बबल सेंटर में आ गया तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये कह रहा है न्यूमेरिकल में, थोड़ा सा थ्योरी है वो भी बाद में बता दूं, कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस ये कैलकुलेट करनी है, और इसके जो डिवीजन है इसका साइज कितना है, 2 mm, ठीक है। और कह रहा है कि दो डिवीजन के बीच का जो एंगुलर है, एंगल है, वो है आपका कितना, 30 सेकेंड। तो आपकी इसकी रेडियस निकालो इस बबल ट्यूब की, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, एल बाई एल्फा। अगर मान लो कभी मिस हो गया तो न्यूमेरिकल आ जाता है 2 नंबर में, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एल बाई एल्फा। आर है आपकी रेडियस, एल क्या है आपका जो डिवीजन है 2 mm, एल्फा क्या है जो एक डिवीजन का एंगुलर पाथ है, ठीक है, 30 सेकेंड। तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिया एल्फा को, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और वहाँ पर फिर आर निकाल लिया 13.75 मीटर, ठीक है। जो बबल ट्यूब आप जितनी भी देखते हो ऊपर से तो इस तरह से दिखाई देती है, लेकिन अगर एलिवेशन पार्ट देखो तो हल्की सी वो कर्वेचर होती है, उसकी रेडियस पूछ रहा है, फॉर्मूला एल बाई एल। फॉर्मूला इसमें कुछ समझने वाली चीज, आगे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल सभी स्टार कर लें जो अभी आ रहा है 6.18, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जो भी ले लें, इस टाइप का न्यूमेरिकल एक्सटर्नल और पीयूई में आएगा जाएगा, ठीक है। ये आपका है रेसिप्रोकल लेवलिंग, याद हो आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या थी, कि अगर हमारा बीच में कोई रिवर रिवर पड़ रही है, वहाँ पे कोई मतलब ऐसा कि हम बीच में कहीं अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते, ऑब्स्टेक आता है, तो वहाँ पे हम करते हैं, रिवर है बीच में तो हम क्या करते, थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे हमारा क्या होता था, एक स्टाफ हम यहाँ पे रखते थे ए, और बी, और यहाँ पे हम हमारा इंस्ट्रूमेंट होता था, ए को देखते थे पहले, फिर बी को देखते थे, फिर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखते थे, फिर बी को देखते थे, फिर दोबारा ए को देखते थे। अगर थोड़ा सा याद होगा इसी को बोलते थे हम रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है, यानी कि ए यहाँ ओ स्टेशन से ए और बी को देखा, फिर ओ डैश से दोबारा ए और बी को देखा, ठीक है, क्योंकि बीच में रिवर है, बीच में इंस्ट्रूमेंट हम रख नहीं सकते, तो इसको ये को बोलते हैं रेसिप्रोकल लेबलिंग। इसके ऊपर न्यूमेरिकल ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूँ, स्टार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इस न्यूमेरिकल का।
ठीक है, इसको समझ लेते हैं तब तक हो जाएगा। स्टूमेट स्टेशन, स्टूमेट एट ए पे है तो उसने ए स्टाफ पे और बी स्टाफ पे रीडिंग ली, यानी कि जो स्टाफ है उस पे कुछ मार्किंग होती है मीटर ऐसे, तो जब हमने टेलीस्कोप से ए को देखा तो कितनी रीडिंग आ रही है 1.03 मीटर, और जब बी को देखा तो 1.630 मीटर, और जब दूसरी तरफ हमने इंस्ट्रूमेंट को रख के फिर इन दोनों को देखा तो हमारा ए पे आ रहा है 0.95 और बी पे आ रहा है हमारा 1.540 मीटर। सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है रीडिंग में। और जो डिस्टेंस है दोनों का, दोनों इंस्ट्रूमेंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 800 मीटर, और RL जो है 450 मीटर है A पे, जहाँ पे पहले इंस्ट्रूमेंट रखा था उसका RL हमें पता है, यानी समुद्र तल से वो 450 मीटर ऊंचाई पे। बताओ इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर जब भी सॉल्व हो गए बताओ जरा मेरे, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे नहीं आया तो बोल दो, मैं दोबारा बता देता हूँ। बताओ, सिंपल है। हेलो, अब आ रही आवाज निशान? समझ में आ गया ना, सिंपल है। ए और बी स्टाफ हैं और एक जगह से ए पे पहले इंस्ट्रूमेंट रख के ए बी को देख लिया, फिर बी पे रख के ए बी को देखा तो चार रीडिंग आ गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस 800 मीटर है और आरएल जो है ए पे वो 450 मीटर है। आरएल का मतलब होता है रिड्यूस। तीन चीजें पूछ रहा है कैलकुलेट करने के लिए, पूछ रहा है कि ट्रू आरएल और बी, ए का तो गिवन है 450 मीटर, बी का निकालना है। ठीक है, कंबाइन करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, याद करो कुछ करेक्शन बताए थे लेवलिंग में। एक होता है कर्वेचर का करेक्शन, अगर ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो उसमें अर्थ का कर्वेचर इंक्लूड हो जाता है, उसकी वजह से एरर आता है। एक रिफ्रैक्शन का होता है एटमोसफेयर की वजह से रीडिंग में जो गलती होती है उसको करेक्शन, तो वो करेक्शन करना है। एरर इन लाइन इन कॉलिमेशन एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही होती है टेलीस्कोप से सीधी, इस लाइन में कुछ एरर है उसको करेक्ट करना है। तो तीन चीजें हैं इसमें, तीनों चीजें सॉल्व करनी है। सबसे पहला पहला पॉइंट, ट्रू आरएल ऑफ बी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एट ए, जब इंस्ट्रूमेंट ए पर था तो जो इनकरेक्ट लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इनकरेक्ट को भी मत सोचना कि इनकरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, बता दूंगा इनकरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आरएल ऑफ बी नहीं निकला इसलिए इनकरेक्ट है ये। इन ए जब इंस्ट्रूमेंट ए पे रखा, वैसे इन्होंने गलत बोला है कि स्टेशन का नाम कुछ और रखना चाहिए था, इन्होंने यहाँ कंफ्यूज हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंट ए और स्टाफ ए। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ जो अच्छे से समझ में आए। ये है स्टाफ ए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दो बार तीन बार कनेक्ट हो गया। ये स्टाफ बी और यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट, इसी को बोल रहे हैं ए पे। जब ए को देखा तो रीडिंग कितनी आ रही है 1.3, यहाँ 1.03, और जब इसको देखा तो आ रही है 1.630। ठीक है, यही कह रहे हैं, जब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो फिर दो रीडिंग वैसे मिल जाएगी। तो कह रहा है कि ए और बी पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 600 mm का आ रहा है, 0.6 मीटर का। जब ए पे रीडिंग देखी 1.03 और बी पे देखी तो 1.6, तो दोनों में स्टाफ की रीडिंग में डिफरेंस कितना आ रहा है 0.6 का, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंट को उठा के रखा बी पे, अब बी पे रखने का फिर दोनों रीडिंग ली तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.59। ठीक है, इनका एवरेज आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एवरेज डिफरेंस 0.95 मीटर। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि ए से बी की ओर, यानी कि ये जो स्टेशन है ये वाला, ये ए है और ये बी है ना, तो जो ए वाला है वो कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे और बी वाला थोड़ा नीचाई पे, कितना नीचाई पे, आधा मीटर। इन दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है, आधा मीटर का, इससे हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा। इसी चीज को जो हमने अभी निकाला 0.59 मीटर, इसी चीज को हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, h इज इक्वल टू b माइनस a, यानी कि फर्स्ट दो रीडिंग का सब्ट्रैक्शन प्लस नेक्स्ट दो रीडिंग का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, तो यही आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये बताओ मुझे, तुम इसको समझना,
ये जो ए पॉइंट पे जो हमारा स्टाफ रखा है, ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? 50 मीटर पे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बी पे जो स्टाफ रखा है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 0.59 मीटर का है, 59 मीटर का है। यानी कि ये समुद्र तल से ऊंचाई पे कितना हो जाएगा? 450 माइनस 0.595 मीटर, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से इतनी हो जाएगी। यानी कि आर एल ऑफ बी क्या हो जाएगा? 450 में से 0.595 मीटर को माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से सिंपल आर एल ऑफ बी निकल जाएगा आपका। इसमें आर एल ऑफ बी में कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताओ, टाइम कम है, दो चीजें पॉइंट हो रहे हैं इसमें। अगर किसी ए पॉइंट का समुद्र से ऊंचाई दी हुई है और ये पता है कि ए से जो है बी वाला कितनी ऊपर या नीचे है ना, तो उसके समुद्र तल की ऊंचाई में उतना अगर ऊपर है तो ऐड कर देंगे, नीचे है तो माइनस कर देंगे, तो उसका भी आरएल निकल जाएगा। तो यही तो हमने किया है, हमने बी पे निकाला कि बी ए से कितना ऊपर या नीचे है, ठीक है। वो क्योंकि हमने दो बार रीडिंग ली है तो हमने एवरेज लिया है उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये जो ए वाला स्टाफ है ये 1 मीटर है और बी वाला स्टाफ जो थोड़ा ऊंचाई पे, नीचाई पे रखा है ना, नीचाई पे है। बी वाला स्टाफ थोड़ा सा नीचे है ऐसे, ये क्या है 0.82 पे है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 0.2 का। तो अगर ये समुद्र तल से है 400 मीटर पे, तो ये समुद्र तल से कितना पे हो जाएगा? 399.2, ये माइनस कर देंगे 0.8, ठीक है। लेकिन हमने एवरेज क्यों लिया? क्योंकि हमने इन्हीं दो रीडिंग को, ए और बी को, दोबारा हमने यहाँ से स्टाफ से रख के देखा है। तो जब पहले स्टाफ से देखा तो इनमें कुछ डिफरेंस आ रहा था, दोबारा स्टाफ से देखा तो कुछ डिफरेंस आ रहा था, दोनों का एवरेज हमने डिफरेंस ले लिया है। और उस एवरेज डिफरेंस की हेल्प से हमने क्या नहीं पता चला कि ए से जो बी है वो 0.595 मीटर डाउन है। तो आर एल ऑफ बी क्या हो जाएगा? साढ़े, इसमें इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है, पर ऐसे नहीं करेंगे, आर एल ऑफ बी लिखेंगे 450 माइनस ये वैल्यू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा इन्होंने पूछा हुआ है कि कंबाइन करेक्शन ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्शन, ये सिंपल है क्योंकि इसकी फॉर्मूला होता है, वो लगाना है आपको। जो कंबाइन करेक्शन ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 0.673 d² d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो 0.673 और d है 800/1000, इसको कन्वर्ट कर लिया इन्होंने इसमें क्या कहते हैं mm में और यहाँ पे मीटर में, सॉरी, ये जो आपका डिफरेंस था 0.0673। नहीं, इसका ये फॉर्मूला ही होता है 8d² एक मिनट रुको, d के यूनिट क्या दी है 800 मीटर, तो इन्होंने d के यहाँ पे 800 को डिवाइड क्यों किया जब मीटर में ही आंसर आना है? जीरो पॉइंट सिक्स सेवन, अच्छा हाँ, इन्होंने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें डी की वैल्यू होती है किलोमीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसने 1000 से डिवाइड किया है इसे, और फिर वैल्यू जो आएगी वो मीटर में आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो सिंपल याद कर लेना, अगर याद ना हो तो मैंने कुछ बताए थे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन और क्या कहते हैं एक और आपका था एरर, उनका कंबाइन करेक्शन कैसे निकालते हैं, जहाँ पर आपका स्लोप करेक्शन था, पुल एंड क्या कहते हैं पुश वाला करेक्शन था, वहाँ पे कराया था। तो सिंपल इक्वेशन लगानी है, सॉल्व हो जाएगा। अब लाइन ऑफ कोलिमेशन का थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको समझ लेना तो ये सॉल्व हो जाएगा। रीडिंग एट ए पे 1.03 आ रही है और रीडिंग एट बी पे, क्योंकि फाल है एवरेज ये ले लिया, तो रीडिंग एट बी पे रिक्वायर कितनी चाहिए होगी लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये समझ लो थोड़ा सा क्या कह रहा है। लाइन ऑफ कोलिमेशन ये है सीधी, ठीक है, और ये है आपका स्टाफ। यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही है, लाइन जब इस स्टाफ पे टकरा रही है तो 1.03 मीटर, और ये है आपका बी। यहाँ पे रीडिंग कहाँ आ रही है, रीडिंग यहाँ आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल मिलाने के लिए जो आपका डिफरेंस था इन दोनों के बीच में हाइट का, वो कितना था 0.595, तो उसको ऐड कर देंगे। ये डिफरेंस कितना है 0.595, इसमें ऐड कर देंगे तो लाइन ऑफ कोलिमेशन पूरी मिल जाएगी हमें, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो गया कि ये तो सीधी लाइन, यहीं पे रीडिंग मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे क्यों मिल रही है,
क्योंकि आपको कर्वेचर एरर तो आ रहा है ना, उसकी वजह से लाइन थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर रीडिंग देखोगे तो उसमें 0.595 ऐड करना होगा। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन की रीडिंग क्या हो जाएगी, 1.625 मीटर। ठीक है, एक्चुअल स्टाफ रीडिंग एट बी, एक्चुअल स्टाफ रीडिंग क्या हो जाएगी बी पे टचिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि उसमें एरर आ रहा है इतना का। ठीक है, तो इसमें इस एरर को ऐड कर देंगे तो अब एक्चुअल हो जाएगी 1.668 मीटर। दोबारा से बताता हूँ, रीडिंग ए पे जब हमने टेलीस्कोप से देखा स्टाफ ए को तो 1.03 मीटर आ रहा है, और बी पे देखा तो बी पे कुछ और रीडिंग आ रही थी। ठीक है, फिर उस दोनों रीडिंग की हेल्प से पता चला कि जो बी पे रीडिंग आ रही है वो 0.595 नीचे आ रही है। ठीक है, कि हाइट की वजह से, ये तो हाइट की वजह से एरर आ गया। अब दूसरा एरर क्या था कि कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर के और रिफ्लेक्शन की एटमॉस्फेयर की वजह से जो एरर है वो आ रहा है। तो इन दोनों तीनों को ऐड कर दिया, हाइट वाला एरर ऐड किया और कर्वेचर वाला एरर किया, तो टोटल जो फाइनल रीडिंग हम पे बी पे मिलनी चाहिए थी हमें वन, अगर लाइन हमारी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो 1.668 मीटर मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो वन, ठीक है, बट ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है, 1630 रीडिंग हमने जब हमने टेलीस्कोप से ए को देखा तो 1.03 आ रहा है, जब बी को देखा तो कितना आ रहा है, 1.630 एक्चुअल में। ठीक है, पर होना ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1.668। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एरर ऑफ कॉलिमेशन 0.038। ठीक है, एक बार इसको मैं बता देता हूँ हुआ क्या है। ये स्टाफ है, ये टेलीस्कोप है, जब टेलीस्कोप से हमने देखा टेलीस्कोप की जो लाइन ऑफ साइट है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, लेकिन आपका कर्वेचर का एरर है और हाइट का एरर है, ये स्टाफ थोड़ा सा इससे नीचे आएगा क्योंकि ये हाइट नीचे है। रीडिंग हमारी ये है यहाँ पे मिली, और एक रीडिंग दूसरी कहाँ मिली हमें, यहाँ पे मिली, ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ यहाँ मिली, लेकिन हमें रीडिंग ये एरर निकालना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर होती लाइन ऑफ कॉलिमेशन तो ये बीच का जो एरर है ये बताओ। तो ये एरर दो वजह से आ रहा है, तो इसकी हाइट के वजह से, क्योंकि ये स्टाफ थोड़ा ऊंचाई पर रखा है निचाई पर रखा है, तो वो हमने जो 0.595 था वो ऐड कर दिया इस रीडिंग में। ठीक है, प्लस जो अर्थ के कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के वजह से एरर आ रहा था वो ऐड कर दिया, तो ये एरर हमारा टोटल फाइनल रीडिंग यहाँ पे हमें मिल गई 1.668, और जबकि हमारी यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही थी 1.630। इन दोनों को माइनस किया तो लाइन एरर इन कॉलिमेशन एडजस्टमेंट आ गया आपका 0.038। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको एक बार आप देख लें दोबारा से, और भी न्यूमेरिकल थे, टाइम कम बचा है। ठीक है, ये मैं लेके आया था और न्यूमेरिकल, और किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। कुछ पूछना है किसी को, लीव करें क्लास को। ठीक है, चलो।